de vale. Um brotinho. सो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर व्यू आ रहा है। सुबह सुबह 7:15 बजे करीब मैं आ गई थी बाहर कैमरा लेकर के, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल चिड़ियों की आवाज़ और ठंडी ठंडी सी, मतलब जो ये हवा चल रही है, मतलब मज़ा ही आ गया यहाँ पर आकर के। और ये तो बस अपनी मॉर्निंग रूटीन कहीं जाकर भी नहीं भूलते हैं, इनका जो रूटीन है वो वैसे ही रहता है, बिल्कुल नहीं गड़बड़ होता। और ये नीचे मौसी जी ने कुछ सब्जियाँ लगा रखी हैं, उसको भी मैं थोड़ी देर में आप सबको दिखाऊँगी। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं लगाई है, पर जितना उनसे हो सकता है वो उतना कर लेती हैं। एक दरवाजा यहाँ से, यहाँ से भी एक रूम है, तो ये बालकनी टाइप है, जैसे घरों में रहती है ना फ्रंट में बालकनी। और सुबह के हो रही है 7 बजने वाले हैं, और जेठ जी बोल रहे 7:30 बजे तक धूप आ जाएगी। सामने देखो पौड़ी दिख रहा है, पौड़ी का बाजार। रात को तो और साफ दिख रहा था, जब धूप बोल रही लाइटें जली हुई थी ना, तो पौड़ी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। इन्हें खूब मजा आ रहा है यहाँ पे आके, बिल्कुल बोल रहे मेरे फेफड़े स्वस्थ हो गए। गाँव का पानी खाना एकदम शुद्ध होता है, तो यहाँ आके सब लोग स्वस्थ महसूस करते हैं। तो उस टाइम पे मैं थी ऊपर और अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो नीचे की साइड पे भी 4 कमरे हैं और ऊपर भी 4 कमरे हैं। ये मौसी जी जा रहे हैं गर्म पानी मनीष को देने, तो वो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। और जेठ जी भी हैं चाय, क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना है, तो वो जल्दी जल्दी से ना। तो यहाँ पर मैंने सारा टाइम तो यही रिकॉर्ड करने में लगा दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम बार बार नहीं देख सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं, गढ़वाल जिसको बोलते हैं, पहाड़ जिसको। तो यहाँ पर मौसी जी ने पहले गायें बाछी बांधी हुई थी, मतलब रखते थे वो, ऊपर भूसा वगैरह रहता था, पर अब नहीं है, अब उन्होंने दे दी है। और इस साइड वो जला के रखते हैं आग, क्योंकि गढ़वाल में तो चूल्हा हर किसी के यहाँ रहता ही है। तो यहाँ पर उन्होंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि देवी पे जाना है तो सब नहा धो के रेडी होने वाले हैं, तो एक एक करके सबका नंबर लग रहा था। और यहाँ पर आग जली रहती है तो हाथ सेकने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय पी लीजिए, पीजिए आप चाय, मौसी के हाथ की चाय। ये तो पानी पीते रहते हैं, कहीं भी जाएंगे गर्म पानी जरूर पियेंगे। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और हमें ले जाना था रोटी सब्जी पैक करके, क्योंकि जब देवी देवताओं पे जाते हैं तो खाली पेट ही जाना होता है। तो पालक मशरूम की सब्जी बना रही थी मैं और आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं पालक धो रही थी और मौसी जी बर्तन मठा रहे थे, तो गर्म पानी तो अंदर था, पर मैंने सोचा पहले एक दो बार मैं ठंडे में ही कर लेती हूँ, फिर गर्म में करूँगी। तो यहाँ पर सारे गप्पे मार रहे थे, मौसी जी बोल रहे थे गर्म पानी ले ले, गर्म पानी ले ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी भी नाजुक नहीं हूँ, कर लूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में ढलने की आदत होनी चाहिए। तो 3-4 बार जब मैंने उसे ठंडे पानी में धो दिया था, अच्छे से मिट्टी विट्टी छान दी थी, तो फिर मैंने 2 बार उसे गर्म पानी में धोया था। और सारा अंश तो इतना परेशान कर रहा था यहाँ पे आके, मतलब उसको जब नई नई चीज़ें मिल रही थी ना, तो बड़ा खुश हो रहा था वो, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी कुछ, कभी कुछ। यहाँ पर वो हर किसी को देख रहा था कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पर फटाफट से नंबर लगा हुआ था नहाने का भी, क्योंकि एक एक करके सब नहीं जाना था तो सबने नहा धो के ही जाना था। तो शुरू में हमने बोला मम्मी जी आप चले जाओ, तब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ, और मौसी जी भी जो भी काम है छोटे मोटे वो सब निपटा रहे थे। मौसी जी की रसोई पहले ये थी, यहाँ चूल्हा जलाते थे, अभी भी जलाते हैं कभी कभार, पर अब बाहर ज्यादा करते हैं। और ये संदूक, पहले ऐसे संदूक होते थे, अभी भी होते हैं, जैसे मौसी जी ने भी रखा हुआ है, उसमें आलू प्याज और जो भी नमक वगैरह रहता है। प्याज निकाल लेती हूँ, कर देती हूँ बंद। बना रहे हैं आज पालक मशरूम आलू के पराठे, लेके जाएंगे साथ में, खाएंगे नहीं। और ऐसी छत होती है, तो यहाँ पर फटाफट से मैं सब्जी छौंक रही थी और मौसी जी मेरी हेल्प कर रहे थे सामान देने में, क्योंकि जब भी हम नई नई जगह पे जाते तो सामान का नहीं पता होता है कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कि कहाँ पे क्या। तो मैं बोल रही थी सामान निकाल के यहाँ पर रख दो, मैं अपने आप निकालती रहूँगी। तो वैसे तो ईजी था, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी वो, जैसे कबर्ड्स वगैरह में तो हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखा है, और जो सिंपल किचन्स रहती हैं उनमें सामने ही रखा रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है काम करने में। तो यहाँ मैंने फटाफट से दो धागे पालक काट लिया था, क्योंकि पालक ऐसी चीज़ है जो फटाफट से बन जाती है, अगर हम बिना मतलब साग नहीं बना रहे उसका। मैं सिंपली छौंक रही थी, सूखी सब्जी बना रही थी पालक की और मशरूम की, तो मशरूम मैंने उबाल लिए थे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में ही छौंक रही थी, क्योंकि गांव में लोहे की ही कढ़ाई में खाना बनाते हैं। तो यहाँ प्याज लंबे लंबे काट के मैंने मशरूम भी उसी में डाल दिए थे। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च का और लहसुन का पेस्ट, जो कि मौसी जी ने बना करके रखा हुआ था सब्जी में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल लिए थे हल्दी मिर्च, तो मैंने पीसी हुई ही डाली थी हरी मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था, क्योंकि टमाटर वगैरह नहीं डालने थे मैंने, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है ये। मतलब गांव में खाना बना के जितना सिंपल खाना बनता है उतना ही टेस्ट पता नहीं कैसे अच्छा आता है, और वहाँ पर जैसे हम लोग बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो ये सब्जियाँ हैं गांव घर की होती हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता होगा। तो यहाँ पर मैंने पालक भी डाल दिया, जो मैंने मोटा मोटा ही काटा था, ज़्यादा बारीक नहीं काट पाई मैं, क्योंकि सब वो बुझ जाता है एकदम से तो पक ही जाता है। और जो ये केतली है ये मैं आप सबको दिखा रही थी, तो गांव में मोस्टली ऐसे ही केतली में बनाया जाता है चाय, तो मौसी जी भी इसी में ही बना रही थी। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी एक आधी केतली खरीद लूँ, क्योंकि सही रहती है कि इसमें चाय जल्दी ठंडी भी नहीं होती है और अच्छी लगती है, गिरती भी नहीं इधर उधर। तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा था केतली में चाय बना के पीने का, तो सही रहता है इसमें, देखूँगी अगर लूँगी तो ले लूँगी। तो यहाँ पे हम लोग सब हो चुके थे रेडी, मैंने भी साड़ी वाड़ी पहन ली थी फटाफट से, लेट पहले हो चुका था, 10 हमें वहीं बच गए थे, और जाने में एक दो घंटा तो लगता ही है, क्योंकि हमें एक दो जगह और जाना था, अपने गांव जाना था भुगाणी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से तैयार हो रही थी, तो धूप में बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब मन कर रहा था बैठ जाओ कुर्सी डाल के, पर जाना था इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। और ये मौसी जी ने लौकी रखी हुई थी इतनी बड़ी बड़ी, हो गया अरे अभी तो साफ नहीं हुआ।
अबे बाबू आगे 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 जाके जलाओ जलाओ और थोड़ा आगे 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 जाके हम मुंह नहीं लगा ना उस पे तो यहाँ मौसी जी को हम बोल रहे थे आप कुछ बोलो कैमरे में देख के वो शर्मा रहे थे कि नाना भाई मैंने क्या बोलना है तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया लोग देखना नू गरम बाबा धुआं घुस गया बबू नहीं नहीं मत मत जा मैं निकालूंगी वो बॉल गिर गई वो बॉल निकाल के लाओ तो खतरों के खिलाड़ी जी वहां से जाओ यहाँ से मत जाओ वहाँ सीढ़ी है बकायदा देखना अच्छा वो जिस सीढ़ी जा नहीं रही वो देखो मौसी जी ऐसे कूद कूद के जाते होंगे अरे मैं निकालूंगा हटियो और इसके बाद देखो नीचे नींबू भी है लगा हुआ वहाँ तक नहीं गए आप कैसे हो यार आप कहाँ चलो बेटा चल ऊपर चल जाती हूँ किसी और का तो नहीं है वो मेरे पास मत जा 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 ले ले जा रहा है भी बबू वहीं रहो मैं आपके लिए वहां से बॉल तोड़ के ला रही वहीं रहो मैं बॉल तोड़ के ला रही वो रहा कहीं मैं धर नीचे जाऊं कटर तो ये है मौसी जी की छोटी सी पुंगड़ी जिसमें उन्होंने थोड़ी सब्जी उगा रखी है और नीचे मुझे माल्टा दिख गया था मैं तो एक तो कन्फ्यूज होती रहती हूँ माल्टा नींबू और उसमें कन्फ्यूज ही होती रहती हूँ तो सुंदर बड़ा लग रहा था तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ तो अभी ये पके नहीं थे एक मैं तोड़ के भी लेके आई थी सारांश के लिए पर ये पके नहीं थे खट्टा खट्टापन था जब ये बिल्कुल पीले हो जाते हैं तब ये पक जाते हैं तो फिर भी एक तोड़ने का मन कर ही गया था और मैंने तोड़ ही दिया था तो अच्छी लगती हैं जब घर में ऐसी चीजें लगी हुई देखते हैं तो बहुत मजा आता है देखने में तो ये यहाँ पर सारांश पूरा मजा ले रहा है हर एक चीज का नेचुरल जो भी चीजें हैं बिल्लियां हैं यहाँ पर इसको बड़ा मजा आ रहा है देखने में सो गाइज ये व्लॉग को मैं ये पेंड करती हूँ आगे का व्लॉग बहुत ही जल्दी लेके आऊंगी सो बाय बाय